महाराष्ट्र के अलग अलग ग्रामीण हिस्सों में पानी की किल्लत की तस्वीरें तो आप देख ही चुके हैं। अब आर्थिक राजधानी मुंबई पर भी खतरा मंडरा रहा है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले तालाबों में महज 45 दिन का पानी बचा है। मुंबई से बाहर नासिक, ठाणे, भिवंडी जैसे इलाकों में बसी 7 झीलों से पाइपलाइन टनल के जरिए मुंबई को पानी सप्लाई होता है। बीएमसी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बारिश के पानी पर निर्भर मुंबई को पानी देने वाले जलाशयों में 15.2% स्टॉक ही बचा है, जो करीब 2.4 लाख मिलियन लीटर के बराबर है। बीएमसी की माने तो 1% पानी मुंबई में 3 दिनों के इस्तेमाल के बराबर होता है। बीते साल 15 जून 2022 को ये आंकड़ा 12.24% था, जबकि इसी तारीख पर 2021 में स्टॉक 12.75% था। साल भर पर्याप्त पानी के लिए 14,47,363 मिलियन लीटर पानी की जरूरत होती है। पिछले साल बारिश अच्छी हुई थी और मुंबई को पानी देने वाले बांध लबालब भर गए थे। अक्टूबर के आखिर में बांधों में 97% पानी था, लेकिन इस साल मॉनसून की देरी ने चिंता बढ़ा दी है। बीते साल 11 जून को मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी थी, वहीं इस साल भीषण रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से भी कई जलाशयों में तेजी से पानी सूखने लगा था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD मुंबई की वैज्ञानिक सुषमा नायर बताती हैं कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते मॉनसून में खलल पड़ा। अब 18 से 21 जून के बीच मॉनसून आने के संकेत हैं। What happens is whenever there is a system, all the winds ना वो चक्रवात के it sucks away the moisture because all the winds will be around the system. तो वो जो normal monsoon flow होता है, south westerly flow होता है, उसमें थोड़ा सा एक disturbance हो जाता है और चक्रवात के चलते चलते थोड़ा अभी तो चक्रवात का लैंडफॉल हो गया है बिपरजॉय का, तो आने वाले दिनों में दैट इज़ बिटवीन 18th to 21st June वी आर एक्सपेक्टिंग फेवरेबल कंडीशंस फॉर द मॉनसून टू ऑनसेट फर्दर। तो उसके बाद हो सकता है, अभी तो फिलहाल है ना हमें कोस्ट में ही लाइट रेनफॉल मिल रहा है, जो इंटीरियर महाराष्ट्र है वहाँ हमें रेनफॉल नहीं मिल रहा है। सो कंडीशंस आर, ये जो हवा की रुख है ना वो बदल सकती है, अभी इट विल बिकम वेस्टर्लीज, तब वो कंडीशंस फेवरेबल बन जाएंगे, दैट टाइम वी विल ऑनसेट द मॉनसून फर्दर। मुंबई शहर को रोजाना 3800 मिलियन लीटर पानी की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जलाशय में जितना पानी जमा होता है उसी पर मुंबई का जीवन निर्भर करता है। बीएमसी ने फिलहाल वादा किया है कि पानी की कटौती शहर में नहीं होगी, लेकिन जून और जुलाई महीने में कितनी बारिश होती है उस पर जलापूर्ति की योजना निर्भर करती है। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।